आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज एस टू जेड आर स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। Arrange them to show the order in which air from outside travel through the respiratory system to reach the gases exchange surface in the lungs. देखो यहाँ पे हमें given है S to Z structures, ठीक है, respiratory system की हमें इनका correct sequence बताना है कि air कैसे travel करती है from outside environment to the inner side. तो देखो अगर हम structure से समझे human respiratory system के बारे में, देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में हमें देखना है, ठीक है, अगर हम एक रफली आइडिया ले स्ट्रक्चर से, सी तो देखो सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं नॉस्ट्रिल, ठीक है, नोज में क्या प्रेजेंट होंगे, दिस इज कॉल्ड नोस्ट्रिल, एंड फिर यहाँ पे प्रेजेंट होती है नेजल कैविटी, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है नेजल कैविटी, ठीक, हमें पता है कि एंटीरियर साइड जो विंड पाइप होती है, ठीक है, एंटीरियर साइड अगर हम देखें तो देखो सबसे पहले हम यहीं से देखते हैं, यहाँ पे कॉमन ओपनिंग जो होती है, ठीक है, फॉर फूड एंड एयर, कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर इज कॉल्ड फेरिंग्स, ठीक है, फूड एंड एयर के लिए जो कॉमन ओपनिंग होती है दैट इज फेरिंग्स, ठीक है, और एंटीरियर साइड जो विंड पाइप होती है उसे बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक, एंड पोस्टीरियर साइड जो प्रेजेंट होगी दैट इज द ईसोफेगस, ठीक, और जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है, ठीक है, ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस, एंड द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द ग्लोटिस इज कॉल्ड एपिग्लोटिस, ठीक है, ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है यहाँ पे इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है, एंड ट्रैकिया के जस्ट अबव साइड जो साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स होता है, यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स होता है उसे कहते हैं लैरिंग्स, ठीक है, तो ये क्या होता है साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स लैरिंग्स, एंड ये जो विंड पाइप है इसे बोलते हैं ट्रैकिया, जो कि फर्दर लंग्स के अंदर, ठीक है, डिवाइड हो जाती है ब्रोंकस में यहाँ पे एंड ओपन होती है लंग्स में, राइट एंड लेफ्ट लंग्स के अंदर ओपन होती है, ठीक, राइट एंड लेफ्ट लंग में क्या ओपन होगी ब्रोंकस, एंड फर्दर लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है फर्दर प्राइमरी ब्रोंकाइल सेकेंडरी, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है जिनका टर्मिनल जो रीजन होता है उसे बोलते हैं एल्वेलाई, और ये क्या है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे कहते हैं एल्वेलाई, ठीक, हमें यहाँ पे करेक्ट पाथ बताना है, तो सबसे पहले देखो सबसे पहले एयर कहाँ एंटर करेगी नॉस्ट्रिल में, तो देखो नॉस्ट्रिल गिवन है यू, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा सीक्वेंस में यू, ठीक है, नॉस्ट्रिल में जाएगी एयर, देखो नॉस्ट्रिल के बाद एयर कहाँ जाएगी, तो देखो एयर जाएगी फैरिंग्स में, नॉस्ट्रिल के बाद कहाँ जाएगी फैरिंग्स, ठीक है, दैट इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर air and food and pharynx is given in the v point pe, theek hai, to u ke baad kya aayega v, pharynx ke baad kya aayega epiglottis, theek hai, flap like structure kya hai epiglottis that is given w, to u v ke baad kya aayega w,
ठीक है, एपिग्लॉटिस के बाद क्या आ रहा है? लैरिंग्स. एपिग्लॉटिस के बाद क्या आएगा? लैरिंग्स. और लैरिंग्स इज गिवन इन एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स. लैरिंग्स के बाद एयर कहाँ जा रही है? ट्रैकिया में. ट्रैकिया दैट इज गिवन इन द वाई. एक्स के बाद क्या आएगा? वाई. ठीक है, ट्रैकिया के बाद जाएगी ब्रोंकाई में, तो यहाँ पे क्या आएगा? टी. ठीक है, ब्रोंकाई के बाद कहाँ जाएगी? ब्रोंकियोल्स में. ठीक है, दैट इज गिवन इन एस. और सबसे लास्ट में कहाँ जाएगी? एल्वेलाई में, दैट इज गिवन इन जेड. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? करेक्ट सीक्वेंस. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या आएगा? सबसे पहले यू होगा, यू इज द नॉस्ट्रिल. ठीक है, नॉस्ट्रिल के बाद कहाँ जाएगी? नॉस्ट्रिल के बाद जाएगी फैरिंग्स में. फैरिंग्स के बाद कहाँ जाएगी? एपिग्लॉटिस में. एपिग्लॉटिस के बाद कहाँ जाएगी? लैरिंग्स में. एंड देन लैरिंग्स के बाद जाएगी ट्रैकिया में. ट्रैकिया इज वाई. तो देखो यहाँ पे वाई आना चाहिए क्योंकि एरो के अकॉर्डिंग है ना, तो एरो के अकॉर्डिंग हमें फिल करना था. तो एक्स के बाद क्या होगा? एक्स के बाद आएगा वाई, तो यहाँ पे वाई आएगा. ठीक है, अगर हम इसको देखें तो देखो ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगी? ट्रैकिया के बाद जाएगी ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई गिवन है टी में. ठीक है, ब्रोंकाई के बाद जाएगी ब्रोंक्योल्स में, जो कि गिवन है एस. एंड देन गिवन है लास्ट में एल्वेलाई. ठीक है, तो यहाँ पे हम एरो के अकॉर्डिंग करेंगे, एरो को भी फोकस करना है. सो इट इज द करेक्ट सीक्वेंस. क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.